नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy A05s versus Lava Yuva 3 Pro का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Samsung Galaxy A05s में 6.61 इंच जबकि Lava Yuva 3 Pro में 6.5 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Samsung Galaxy A05s से कम है। विड्थ की बात करें तो Samsung Galaxy A05s में 3.06 इंच जबकि Lava Yuva 3 Pro में 3 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Samsung Galaxy A05s से कम है। बात करें थिकनेस की तो Samsung Galaxy A05s में 0.35 इंच जबकि Lava Yuva 3 Pro में 0.34 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। अब बात करते हैं वेट की तो Samsung Galaxy A05s में 194 ग्राम जबकि Lava Yuva 3 Pro में 200 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि Samsung Galaxy A05s से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Samsung Galaxy A05s में PLS LCD जबकि Lava Yuva 3 Pro में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Samsung Galaxy A05s में 6.7 इंचेस जबकि Lava Yuva 3 Pro में 6.5 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Samsung Galaxy A05s में 1080x2400 और Lava Yuva 3 Pro में 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Samsung Galaxy A05s में 82.92% जबकि Lava Yuva 3 Pro में 81.24% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Samsung Galaxy A05s में 393 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Lava Yuva 3 Pro में 270 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Samsung Galaxy A05s में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Lava Yuva 3 Pro की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में सेकेंडरी कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Samsung Galaxy A05s में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Lava Yuva 3 Pro की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Samsung Galaxy A05s में Adreno 610 जबकि Lava Yuva 3 Pro में Mali-G 57 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Samsung Galaxy A05s में Qualcomm Snapdragon 680 और Lava Yuva 3 Pro में Unisoc T616 मिलता है। बात करें RAM की तो Samsung Galaxy A05s में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB, 6GB की RAM मिलती है, जबकि Lava Yuva 3 Pro में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Samsung Galaxy A05s में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Lava Yuva 3 Pro में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Samsung Galaxy A05s में अप टू 1TB जबकि Lava Yuva 3 Pro में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V13 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं।
कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो सैमसंग गैलेक्सी A05s में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 13,499 रुपीज, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 14,499 रुपीज में मिलता है। और बात करें लावा युवा 3 प्रो की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 9,499 रुपीज में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो सैमसंग गैलेक्सी A05s में 6 फायदे और 8 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें लावा युवा 3 प्रो की तो उसमें 7 फायदे और 8 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में सैमसंग गैलेक्सी A05s आगे है। मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में सैमसंग गैलेक्सी A05s आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें ओप्पो A59 5G है, दूसरा सैमसंग गैलेक्सी A05 है, तीसरा पोको M6 प्रो 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें शाओमी रेडमी 13C है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।